मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसा शायर कि जो दिल्ली की यहाँ की जो अदबी महफिलें थी जो पहले हुआ करती थी आज से 10-12 बरस कबल बड़े शानदार मुशायरे हुआ करते थे, उसमें एक मुशायरा जमनापार में हुआ करता था अंजुमन मुहिबान उर्दू का। लोग ये कहते हैं कि लाल किले के बाद उस मुशायरे को बड़ी अहमियत हासिल थी और उसको सजाने संवारने में जिन लोगों का अमल दखल था उसमें एक नाम डॉक्टर एम आर कासमी साहब का भी है। डॉक्टर एम आर कासमी साहब जो अली पढ़े दायरे के देवबंद से भी उन्होंने तालीम हासिल की, तो दो अजीज गाहों में उन्होंने तालीम हासिल की। कई शेर में उनके सुना सकता हूँ, अक्सर उनकी निजामत करता हूँ तो उनके शेर कोट करता हूँ कि आज अपनी फालतू चीजें जुदा करता हूँ मैं, आज अपनी फालतू चीजें जुदा करता हूँ मैं, है कोई ऐसा जिसे मेरी शराफत चाहिए और ऐसे वैसे इस्म से खुलता नहीं जाका तिलिस्म, कुफले अबजद के लिए थोड़ी रियासत चाहिए। तो आइए डॉक्टर एम आर कासमी साहब से उनका कलाम सुने, बहुत अच्छे नाजिम भी हैं, कई रिसालों से अखबार से वाबस्ता रहे, तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर एम आर कासमी साहब। नहीं बहरहाल मशायरा सुनते हुए खाने का ख्याल रहे ये तो अच्छा है, लेकिन खाना खाते हुए मशायरे का ख्याल रहे ये गैर मुनासिब, ये मुनासिब नहीं है। खाना खा के मशायरा नहीं सुना सकता खाने के दौरान। बहरहाल हो सकता है कोई इज्जत सादात खतरे में हो और ये ऐलान करना पड़ा हो। हाँ हाँ ये भी है, लेकिन मतलब देखिए जितने जितने लोग उठ गए उनके लिए थोड़ी कहा था भाई। ज्यादा चले गए, यही पहचान होती है जी। मतलब देखिए कि एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, वाह, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की, वाह क्या कहने क्या कहने। एक ख्वाहिश थी कभी तेरे करीब आने की, बहुत खूब, दिल ने कोशिश ही न की आंख को समझाने की। और शेर देखें वसीम बाजी साहब के, कोई चट्टान है सीने के समंदर में भी, बहुत खूब, कोई चट्टान है सीने के समंदर में भी जिससे आती है सदा लहर के टकराने की। वाह क्या कहने क्या कहने भाई, जिससे आती है सदा लहर के टकराने की। और मेरा गिरिया तेरे करिए के लिए है शायद, बहुत खूब, मेरा गिरिया शैबर भाई, मेरा गिरिया तेरे करिए के लिए है शायद, इससे आगे तो यह आवाज नहीं जानी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, इससे आगे तो यह आवाज नहीं जाने की। बहुत खूब। और इस गजल का आखिरी शेर, फिर मैं हिम्मत करूंगा दो तीन शेर तरन्नुम से भी सुनाऊं, हो सकता है कुछ माहौल और मानूस हो जाए जी। शेर देखें कि हर किसी काम का, बहुत अच्छा शेर है ये भी, हर किसी काम का एक वक्त, एक हुआ, वक्त करता। हुआ करता है, वाह, हर किसी काम का एक वक्त हुआ करता है, एक वक्त हुआ करता है, अब खुशी वैसी नहीं होगी तुम्हें पाने की। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। असल में 50+ के लोग कम हैं वरना वो ज्यादा दाद देते हैं। वाह, हर किसी काम का एक वक्त हुआ करता है, एक वक्त हुआ करता है, अब खुशी वैसी नहीं होगी तुम्हें पाने की। वाह, बहरहाल बहुत अच्छा लगा और दो तीन शेर में कोशिश करता हूँ। गजल बिल्कुल ताज़ा है, हो सकता है तरन्नुम पुराना हो जी। हाँ वो जब आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है लुत्फ आए। मतलब देखिए कि आप जो कहें हमसे, आप जो कहें हमसे, हम वही नहीं कहते। वाह 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 वाह, क्या कहने तो जी जाऊंगा। आप जो कहें हमसे, क्या कहने भाई, हम वही नहीं कहते, संग को कभी हीरा
जो हरी नहीं क्या कहने कहते संग को कभी। मुझे आदत नहीं है कुछ तशरी और क्या कहने किनाया और इशारे में बात कर वो तशरीहात पेश करने की। बहरहाल ये बिल्कुल हालात हाजरा हैं। आप जो कहें हमसे हम वही नहीं कहे। वाह 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 वाह। संग को सारे शेर आमद के किसको मेरो वालिद की हम सरी नहीं क्या कहने भाई। वाह 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 वाह।